चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 30-32 रुपए क्विंटल पंजाब में फर्क है गन्ने के रेट को, किसान को बिजली फ्री है वहाँ। भ्रष्टाचार तले तक ऊपर तक निकलस भ्रष्टाचार है। मांगेराम त्यागी जी ने परसों के उसमें कह रखा, शायद कल के परसों के उसमें, ये तो मुख्यमंत्री बेस बदल कर देख ले क्या हो रहा तेरे राज में। लाठी चार्ज करें, गोली चलाऊंगे, जीप उसमें भी मजा है, नहीं तो शांति के तरीके का आंदोलन चलाओ जाओ। हमारे 750 किसान शहीद हो गए, उनकी भी बात है। उत्तर प्रदेश सरकार का नाश थोड़ा ही हो रहा। सम्मानित मंच, हमारी माता और बहनों उपस्थित, क्षेत्रवासियों, दूर दराज से किसान भाइयों, मैं सभी आगे, सभी जिलों के आगे, ठीक, राजेंद्र सिंह भी है, क्या नाम है, गुजराल जी, हाँ, जिला अध्यक्ष विनय कुमार जी सहारनपुर, पत्रकार बंधु, सुरक्षा कर्मी, भाई चौथा दिन है धरना चल रहा। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है साथ भाई, हम जनता को परेशान करें या हमारी कोई ऐसी प्रतिष्ठा की बात है। बात सिर्फ मान सम्मान की है, बातचीत भी हो जा। जब एक सम्मान की बात रहे मन में भाई, किसान भी है, इनका भी सम्मान चाह होना। फारूक जी भी आगे, चेयरमैन साहब पुरका जी, भाई मैं तो थोड़े ही उसमें आप लोगों को एक बात समझाना चाह रहा। कुछ अध्यमों ने ठेका ले लिया, तीन ठेके ले लिए, तीन, एक तो जाट बिरादरी का ले लिया, एक किसान बिरादरी का ले लिया और एक यूनियन का ले लिया, यूनियन को खत्म करण का। आप लोगों की परीक्षा की घड़ी भाई, याद में भी कमती बत्ती आ जा, कोई बात नहीं, आंदोलन भी लंबा चला गयो, लंबा चलाना भी आप लोगों की मजबूरी है। क्या करोगे आप लोगों को बर्बाद करने पर तुल रही है सरकार। ऐतिहासिक मैदान है, इस मैदान ने बहुत कुछ देख रखा, बहुत कुछ देख रखा। आप लोग समय समय पर इस किसान बिरादरी के मान सम्मान को बचाने की जो वाला खो बातचीत, इस सरकार को वही डर है जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो हाथ रिटायर होकर जा, जो नवाब है उसे बता दे भाई नुन्नु बात है, भेड़ू का छत्ता है, इसमें हाथ ना घेर दियो। आप लोगों की यही जीत है, आप लोगों को समय बिताना, हमें पता, हमें बोले तक काटने तक का पता। आखिर कुछ सरकार के सामने कुछ मजबूरी हो हमें बताओ, अन्य हम यहां कहे मारे गन्ने के पेमेंट में तो 1 रुपया क्विंटल काट लो, ठेकेदारों को दे दो, जो इनका पेट और बड़ा हो जा, इनका टोटा घट जा, टोटा हट जा, हमारी खून पसीने कुमाई तो हम भा भू तो बदबू डाल लिया, हम अपनी मेहनत में दे दे, 1 रुपया न दे दो भाई, इनका पूरा पटना चाह। 30-32 रुपए क्विंटल पंजाब में फर्क है गन्ने के रेट को, किसान को बिजली फ्री है वहां। 30 रुपए का फर्क थोड़ा नहीं होता, हरियाणा में 22 रुपए का फर्क है, वहां 250-300 रुपए बिजली का बिल 1 महीने का।
या सरकार पता नहीं क्या कर कर रह गया आप लोगों के साथ में। एक कहावत है, हम जीत के नजदीक थे, जीत के नजदीक जा रहे थे, जब हमें दिखा हमें हराने में अपने ही आदमी आगे खड़े, हम हराने में मारे ही आदमी आगे थे, तो इसमें तो छटनी लग रही हो, छटनी लग रही ऊपर कोल्लू में और रस का हो नहीं, रस में तो मल्ली उतरे तो जलाल, हाँ तो यह मल्ली लग रही उतर और भी उतरेगी, और भी उतरेगी, कोई कहीं मिल रहा, कोई कहीं मिल रहा, कुछ कर कर रहा, तरह तरह की बुरियाई भी आवे भाई, हमें नहीं कुछ भी लालच, ना हम इलेक्शन लड़न का लालच, हमें तो नहीं पता हम किस पार्टी में, बिल्कुल कसम खा के हमें कुछ नहीं पता। 2014 में नु कहते बात है राम राजाओ का फुलाना ढिकड़ा, हम भी इन लोगों के लहरे में बात ठीक है, पर राम राजाओ का बहुत बढ़िया भाई, हम भी इसी रघुकुल से ही है भाई, दो ताकत मिल जाएगी। मारे बड़ू का नाम तो मंदिर लग रहा, वहां से अयोध्या में पड़ा, हम तो उसका भी कोई वो नहीं कर रहे, बढ़िया भाई ठीक है, पर हमें नहीं पता था करने में कतने में कितना फर्क है, कितना फर्क है करनी में कथनी में, सबकी निगाहते हत्तू पर लग गई, बिजली वालों की, चकबंदी वालों की, पुलिस वालों की खुली गुंडागर्दी, कोई आदमी नु कहता हूं कहना वा मैं ठीक हूं, हम ही भरने पड़े अपने काम धंधा का दंड के लिए लोगों को, भ्रष्टाचार तले तर ऊपर तक निकालस भ्रष्टाचार है। मांगेराम त्यागी जी ने परसों के उसमें कह रखा, शायद कल के परसों के उसमें, ये तो मुख्यमंत्री भेष बदल के देख ले क्या हो रहा तेरे राज में, अरे क्या हो रहा तेरे राज में, कहां नु गए बात, खुले दरबार चल रहे, कोई कहीं कुछ चले जाओ, किसी टेम चले जाओ, जीव किसी पर रह नहीं रहा, कुछ क्या लुटोगा इनका, मन होगा राज दिन में कुछ है ही नहीं, ये रात को चल लो दिन में चल लो, खुले दरबार तो आपको एक दिन पर कुछ है ही नहीं, पहले चोरों के भी पल्ले पड़ जाता था कुछ, और वे इन पर इन्हें भी छोड़ छाड़ देते, कहने को इन्हें भाड़ा पताड़ा तो छोड़ दे या कुछ नहीं, चोर भी ठाली हुए फिर रहे, जिनका कुछ हिल्ला था वे भी ठाली हुए फिर रहे, वे भी बेरोजगार हो गए, और लुटन वाला भी रहेगा, लुटन वाले पे भी कुछ नहीं। मैं आपको मोटी सी बात बताऊं, 1967 में गेहूं का रेट 76 रुपए क्विंटल था, 40 पैसे लीटर था डीजल, एक क्विंटल गेहूं में 200 लीटर डीजल आ जाता, आप लोगों की समझ में कितनों की बहुत कम आवे, आप लोग लूट गए सब कुछ लूट गया थारा, एक क्विंटल के गेहूं में 200 लीटर डीजल आ जाता, इब जब 20-22 लीटर डीजल आता होगा इसी महंगाई में, जो गेहूं का रेट थोड़ा महंगा हो रहा, अन्य सरकारी रेट भी तो वही 19-20 लीटर आवे, ईट ये जो ईट है चिराई के लिए ये 30 रुपए की 1000 ईट आवती, एक क्विंटल के गेहूं में 2500 ईट आ जाती, 2500 ही सीमेंट का कट्टा 6-6.5 रुपए का आ जाता था, 11-12 कट्टे आ जाते सीमेंट के, एक प्राइमरी का मास्टर थी के तेल लगा हुई ना, कोई प्राइमरी का मास्टर छो मा जा, हाँ सभी यही है, कोई रिटायर हो लिया हो, कोई चल लग रहा हो, 75 रुपए तनख्वाह थी उसकी, आज एक मास्टर की 75,000 है, है क्या 75,000? लूट तो किसान गया,
हम लोग हैं इस महंगाई में, हम भी तो हिस्सेदार हो गए जो हम पैदा कर रहे हैं। एक क्विंटल गन्ने में 50 लीटर डीजल आ जाता जी, 3.5 लीटर आवे। हमारी और कुछ नहीं ना, हमारी कोई राजनीति है। हम यह कहें कितने हमारे भाई बहती क्या सुन दो, मैं राठी जी मैं काम काम की बताऊ, मैं ज्यादा नहीं हो करने का। कितने भाई हमारे नु कह नहीं मौज आ रही, किसी कहते एक आधा लड़का कहीं नौकरी पोकरी पर लग जाए, एक दो भिन्ने की तनख्वाह दे दो घरों, सब भूल जा, सब भूल जा। नु कह कहने रहे कुछ नहीं, मैं तो वंत तो लेके उठ जा, वो कर दे उनका तो यही धंधा फुलाना ढिकड़ा, ये 5-7 बात है। हम नु कह रहे हमें खेती में तो क्या बचत है, हमें सिर्फ यह देखनी जो कोई खेती कर रहा है जिसका 10-12 बीघे 15 बीघे जमीन है, उसका और कोई रोजगार नहीं, लड़की की शादी भी है, जाकत वाले पढ़ाने लिखाने भी है, मकान भी है, डांगर ढोर भी है, वो भी है, हमें उन्हें देखना उनका, उन्हें क्या हो रही है, किसी को 2 रुपए की कहीं तो आमदनी हो सके, खेती तो ना जोड़ो। हम आप लोगों को फिर भी यही कहे ना, यहां से कोई प्रतिष्ठा की बात है ना कुछ, नु एक बात एक दिन हंगा लगा दो, आंदोलन चलता रहना चाह, अनुशासन तो चलता रहना चाह। सबसे बड़ी बात ये आंदोलन 34-35 साल ऐसा हो लिए, ईमानदारी तक अनुशासन तक चल रहा हो, ठीक है, बुराई भलाई भी कर रहे हैं, वे भी अपने ही आदमी है भाई, अपने ही माड़ा गिरे अपने ही विरोध करे, उनकी भी हमें कोई ऐसी बात नहीं, जो कोई जहां है ठीक है, सब है सबके बारे में पता। हम तो फिर भी आपको यही कहे, एक दूसरे पर यकीन विश्वास रखो। कितने नु कहते हैं कहना हमें तो बेच ले, थारी कुछ कीमत नहीं, कोई नहीं, तो मैं खरीदार, खरीदने वाला कोई नहीं, ये तो मैं फूट गिरण की बात है, थारी कुछ कीमत है ही नहीं, उन लोगों के मन में थारी कोई कीमत नहीं, ये आप लोगों को एक गुमराह करने वाली बात है। तुम तो वहां बेच लिए, तुम तो वहां बेच लिए, कहीं नहीं, फिर भी अच्छाई सामना होगी। जिला प्रशासन के गले की गाल बन गई, तम गले की फांस बन रही, बिल्कुल तरीके था, चलो लाठी चार्ज करें, गोली चलाओगे, जीप उसमें भी मजा है, नहीं तो शांति के तरीके तो आंदोलन चलाओ जाओ, जो कुछ भी हाँ निर्णायक कमेटी जो निर्णय लेगी, जैसा उसकी बात है, वन तो कचहरी के गेट तक पैदल मार्च की, 5-7 आदमी चले जाओ, 10 चले जाओ, सारे चले जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, एक दिन का रखा करो, कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो। देख वैसा कमेटी निर्णय लेगी भाई, सब जिले में ठीक है मामला, किसान समस्या तो सारे को है, पर इस जिले का तो मामला अलग ही है भाई, यहां तो ठेका ले रखा, बस सब रान मर जाएंगे भाई, उन ठेकेदारों तो बच लो, कौन ठेकेदार है कुकर है वो तो तुम जान सको भाई, बस ज्यादा ना कह के मैं तो आप लोगों को फिर भी यही कहूं, अनुशासन रहना चाह, अनुशासन बिना कुछ नहीं, सबकी निगाह, फिर भी मैं दूसरा आप लोगों को याद दुआ दू, सबकी निगाह दे हत्तु पे है भाई, दवाइयों वालों की भी निगाह है, नकली दवाई खाद जो नु कह रहे नहीं कहने भाई, खेत में लगता नहीं है नकली खाद है, बड़े 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 नेताओं के इशारे पे यार फैक्ट्री चल रही, सब जिम्मेदारों के उस पर चल रहा मामला, सब लूट खसोट के पीछे लग रहे, किस तरह था जो कर भी लूटे, नकली कीटनाशक, नकली डीएपी, नकली डीजल, और बस ठीक है, रोज का चलता रहेगा मामला यहां से।
नए उसके वह वेदपाल सिंह वह दवाई तो वह किसी वह न चेपनी उसके साथ में उस यूरिया के साथ में वह चेपनी कहना उसका कोई वो नहीं। एक एक मील का अधिकारी मजनू कहता चौधरी साहब अगर 25 रुपए भी सरकार बढ़ा दे हम देने में समक्ष है, कहने हमें कोई नुकसान नहीं। तो आप लोग भी भाई ज्यादा गन्ने के पीछे ना पड़ो, अपने खर्चे भी काबू में कर लो। बिहार शादी मेरी जम्मू में होने लगी, मेरी जम्मू में होने लगी, देख कर कर लो काम। आमदनी थारी रही नहीं, खर्चे इतने बढ़ गए। 1950-51 में सोरम की पंचायत हुई थी, मारे तो याद नहीं, मारे तो तुम तो पैदाश भी नहीं हुए, पैदा भी नहीं हुए थे। उसमें ही हुए था 5 आदमी या 11 आदमी, मैं शादी कर लो ब्याह में बरात में 5 आदमी या 11 आदमी चले जाओ ज्यादा से ज्यादा। मृत्यु भोज पर प्रतिबंध, आज किसी कहते जवान मर जाओ चाहे बूढ़ा मर जाओ, बिहार वाले जहां सब तरह के आइटम बने इस पर भी काबू में कर लो, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। जब कोई बना ले खा तो ले है, पर ऐसा ऐसा ना करो, वो मां की बात नहीं। मैं थोड़ी सी बात बताऊं, गुजरू की गए साइड में सहारनपुर तक, यहां तक एक कप चाय भी नहीं कोई पीता मर्त भोज में, और कितना बढ़िया सिस्टम है वहां से। एक हमारे भाई है मुसलमान, हमें कुछ सीखने को मिले, कहीं तक कहीं जाके कहीं कुकर किस मजहब में क्या क्या बात है। इनके यहां से किसी का कोई सुरक्ष से धार गया, शरीर पूरा हो गया, उसी दिन सारा काम निपटा ले, सब रिश्तेदार आ जा, क्यों वह मोहब्बत अली है क्या नहीं? कोई फूल नहीं चुके जाते, कोई तेर भी नहीं, कोई कुछ नहीं। और मरे यहां से पहले तो यही बात देखेंगे भाई, उसमें सांस चल रहा, फोन पर लग जाओगे पता भाई चल रहा कि नहीं, कहना वह मर लिया बस, कहना फिर भागेंगे मोटरसाइकिल ठाके गाड़ी ठाके चलो भाई, फिर उसके दाह संस्कार में, फिर उसके फूल चुगन में, फिर उसके तेरामी पे, फिर एक और हो गया कहने का एक महीने में एक बार को फिर पता लेना वो कोई कहीं जाएगा एक रात को बाहर रहना। ये पुरानी जो परंपरा है इन्हें थोड़ा सा काबू में करो, अपने खर्चे काबू में करो, हर टाइम सड़कों पे। हमारी यहाँ युवा पीढ़ी जो इक्का काता किसी का जाकत है, मोटरसाइकिल की इतनी स्पीड है, जो भी 20-25 साल तक पढ़ा लिखा और उस पास है भाई जवान हो गया, इब जब कुछ करेगा नौकरी करेगा। हमारा अजय प्रधान जी उसका फिर पता लगे वो एक्सीडेंट में मर गया भाई, कितने अस्पतालों में पड़े। हमें इसके साथ साथ सामाजिक कामों पर भी ध्यान देना चाह, ये तो काम धंधा ही तो चल ही रहा है, चलता रहेगा, पर थोड़ा सा सामाजिक कामों पर भी ध्यान दो। एक लोगों ने मुच्छू की बात बना ली, मान तो मुच्छू की बात है, हटते नहीं बिल्कुल भी, हम नु कह रहे अपनी उल्टी हटानी सीखो भाई। जो दो आदमी कह दे उनकी मान लिया करो भाई, चलो इन्होंने कह दिया भाई, हम तो मानना नहीं थे पर इन्होंने कह दिया, ये आगे टेम टल जा, आप लोग टेम टाल लो। और बस ठीक है, धरना तो चलो जाएगा बढ़िया, कोई वो नहीं, जब भी कोई आवे जावे अपना आते जाते रहो, खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था हो रही और भी बनती रहेगी। और प्रशासनिक अधिकारी कोई आवे बातचीत करने के लिए
सम्मान के तरीके से जो कोई बात करता हो बात करो, मजाक क्या लहजे में किसी के साथ बात ना करो, ना कह दो चल भाई। आप लोगों के साथ में भद्दा मजाक करा जा रहा। हमारे 750 किसान शहीद हो गए, उनकी भी बात है। उत्तर प्रदेश सरकार का नाश थोड़ा ही हो रहा, उनकी भी मुआवजे की बात है, वह भी रखी जा गई। वासी शायद पंजाब सरकार ने दो गवर्नमेंट 5-5 लाख रुपए उन्हें दिए, तो उसकी भी बात है। हरियाणा में उन्होंने 6-7 दिन मील बंद रखा, 10 रुपए बढ़वा लिए। हमारे यहां से लोगों में फूट है, ग्रुप बन गए, ठेके ले लिए, कहना ठीक है। हम वहां नहीं उभरण देने के तब वहां ना उभरण दो, हम वहां नहीं करने के तब वहां कर दो। इस तरह की मानसिकता छोड़ दो। मारा भी बाजी भरी, हमारा भी नहीं हो जी लगता, हम भी न सोचे रहे छोड़ दो भाई क्या वो होगी, बातचीत रहने दो। पर फिर भी इस किसान बिरादरी को किसके भरोसे छोड़ दे भाई, जो कुछ भी होगी सबके साथ होगी, ठीक है। मरना भी थारी साथ है, जीना भी थारी साथ है। लोगों को यकीन तो है, लोगों को यकीन तो है, पता। यू भारत का सबसे बड़ा संगठन है, भारतीय किसान यूनियन। इसमें हमें भी शर्म आवे जी, भी इसमें लिखा जा याद में पूछ जाए कितने भाई, हमें कह रहे भाई कौन से संगठन था, हो वे भी संगठन अपने ही है, वे भी संगठन अपने हैं, वे भी किसान हित की बात कर रहे। कहीं बातचीत हो, हमें भी नोता दो या उन्हें हम नोता देंगे, कहीं कुछ वार्ता होगी। ये ना किसानों को ना किसानों को पे किसानों को किसके भरोसे छोड़ दो, ऐसा ना करो। किसानों ने बहुत कुछ दिया, अकीन विश्वास दिया, हर दुख सुख में मान सम्मान में किसान खड़ा, तो ऐसी कोई नहीं बात है, ये कोई नहीं। भारतीय किसान यूनियन, कोई आदमी किसी की बुराई ना करो भाई, अपने तभी सुधार करना चाह, कोई किसी की बुराई ना करो। थोड़ा सा समय है, सब समय एक सा नहीं रहता। 10% अंग्रेजों के साथ भी थे, अगतम रिक्स थानतम भर लो, कौन थे वे? नहीं, भगत सिंह नहीं, भगत सिंह तो शहीद हो गए थे। 10% क्या कौन थे वे? 10% आज भी है। अजी मैं वही तो बता रहा, मैं अपने मुंह तो नहीं कहना चाहता, कुछ नहीं और कह लगे। 10% मुगलों के शासन में भी थे, अंग्रेजी शासन में। उन लोगों का इतिहास भी तो 100 साल भी नहीं हुए, उन लोगों का इतिहास जो पता नहीं कब तक उनका इतिहास रहेगा, जिन्होंने इस समाज के साथ मगददारी कर रखी। हम यही कहें संगठन चलो, आप लोगों की जिम्मेदारी ना चलो, आप लोगों की जिम्मेदारी। हम रहे ना रहे, मेरे नाम के पीछे गद्दार सब ना लिखा जा, मारे सिर्फ यही हुआ है बातचीत। नाम कोई ऐसा काम कर रहे, बहुत कुछ है, ये कोल्लू चला रहे, एक महीने का 40-40 हजार रुपए बिल क्या कर लेंगे भाई, 60-70 आदमी को रोजगार मिले एक कोल्लू में, तो बिजली तो वही 12 पर लगे, वही वहां से असर 10 हजार रुपए या 20 हजार रुपए ले लो एक सीजन के, पर बर्बाद करने के पीछे लग रहे भाई। खैर पूजा ते बोलेगा कितनी बार, ओ भाई बहुत बढ़िया,
और ठीक है सुन जाओ अपना जो कोई भी ठीक है जी। जय हिंद जय भारत।